हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम जेडर नेटवर्क। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है DHA का Phase 9 Prism। आज हम इसके जो फर्स्ट थ्री ब्लॉक्स हैं A, P और Q, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा इसकी एसेस कहाँ कहाँ से है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसमें डेवलपमेंट कहाँ तक हो चुकी हुई है, और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें कटिंग किस किस साइज़ की है और इसमें प्लॉट के रेट्स क्या जा रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर अभी तक पोजेशन क्यों नहीं आया। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये स्क्रीन पे ये ए ब्लॉक का मैप देख रहे हैं। अगर हम इसकी एसेस की बात करते हैं तो अगर हम 9 टाउन से थ्रू आउट अंदर आते हैं तो इसके फर्स्ट राउंड बाउट से ये प्रिज्म का ए ब्लॉक स्टार्ट होता है, और अगर हम इसकी लोकेशन के लिहाज से बात करें तो ये लोकेशन के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉक है, और अगर हम इसको आपको रियल इसकी जो इस वक्त रियलिटी है अगर हम आपको इसकी सेटेलाइट पे आपको दिखाते हैं तो वो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपका प्लॉट मौका पे क्लियर है कि नहीं है। ये चले हम आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जी। अब ये आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकता है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो अंदर के ये आपको ये 60 फुट्स के रोड नज़र आ रही हैं, ये कम्प्लीट नज़र आ रही हैं आपको, और अगर हम ये रोड ये 150 फुट का रोड जो इसका मेन रोड है ये आपको कम्प्लीट नज़र आ रहा है, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ये पैचेज़ हैं ये जो अभी लिटिगेशन में है, लेकिन ये इंशाल्लाह जल्दी DHA इसको रिक्वायर कर लेगा तो ये भी रोड कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ आपको इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि अभी आपको यहाँ पे खेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी DHA जल्दी क्लियर करा लेगा। ये जो आपको छोटे छोटे पैच नज़र आ रहे हैं तो इनका जल्दी ही DHA क्लियर करवा लेगा, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो 70-80% ये ब्लॉक क्लियर है। और अगर हम इसकी ये आपको अंदर की ये जो रोड्स हैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाएँ तो आपको ये छोटे छोटे रोड्स भी आपको कंप्लीट नज़र आएंगी। ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है। अगर हम आपको अगेन इसका रियल व्यू दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, और अगर आप अपना मौके पे प्लॉट भी चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। अगर हम इसकी कटिंग की बात करते हैं तो इसमें DHA ने 1 कनाल की और 2 कनाल की कटिंग दी है। अगर हम 1 कनाल की जो प्राइस की बात करते हैं तो वो 190 से स्टार्ट होती है और जो 250 तक जाती है। ये ऑल डिपेंड करता है आपके प्लॉट की लोकेशन पे कि आपका प्लॉट कहाँ है, बाउंड्री के पास है तो उसकी प्राइस कुछ और होगी, अगर ये जैसे सेक्टर पार्क है इनके पास आपका प्लॉट आता है तो इसकी प्राइस कोई और होगी, और अगर ये मेन रोड्स पे आते हैं तो उसकी प्राइस और कोई और होगी। बट ये आपको कनाल का प्लॉट 190 से 250 के बिटवीन आपको मिल जाता है। और अगर हम इसके 2 कनाल की बात करें जो रिसेंटली ही DHA ने एक जो ये मेन पट्टी है ये इसकी 150 रोड वाली, इसको 700 से लेके 1100 तक जो DHA ने इसको कनाल से 2 कनाल में कन्वर्ट किया है, और उसकी जो प्राइस है बेसिकली 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, 5.25 और 5.5 करोड़ तक आपको प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह हम इसके जो 7 ब्लॉक है क्यू ब्लॉक इसके जो राउंड बोर्ड की दूसरी साइड पे आता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये देखें, ये भी एक अपनी लोकेशन के लिहाज से बहुत ही आइडियल ब्लॉक है, और इसके अंदर जो DHA ने सबसे इसकी खूबसूरती के लिए जो चीज़ दी है वो इसका 128 कनाल का थीम पार्क है जो पूरे DHA में नहीं है, जिसकी वजह से इस ब्लॉक की वैल्यू और बढ़ गई है। और अगर हम इसमें थ्रू आउट इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट DHA 70-80% अपना काम कंप्लीट कर चुका है, DPs भी लग चुकी हैं और ट्रांसफार्मर भी लग चुके हैं, वाटर टैंक भी लग चुके हैं। अगर हम आपको इसका भी अगर ओवरऑल व्यू देते हैं अगर इसका सेटेलाइट में तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपकी प्लॉट की क्या कंडीशन है। आप ये देख रहे हैं, अब आप ये देखें आपको ये मेन रोड जो कंप्लीट नज़र आ रहे हैं ये आपको कंप्लीट नज़र आ रहे हैं, ये जो अंदर के भी छोटे छोटे रोड आए हैं आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें ये आपको पूरे कंप्लीट नज़र आ रहे हैं, और ये देखें ये आपकी जो मेन रोड है ये भी कंप्लीट हैं। अगर इसकी हम थीम पार्क के साथ ये की बात करते हैं तो ये देखें ये भी कंप्लीट रोड आपके कंप्लीट हैं, लेकिन कुछ जगह पे अगर आपको थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है लिटिगेशन की प्रॉब्लम जैसे ये थोड़ी सी इन हिस्से में तो ये भी ही जल्द ही DHA इसको रिक्वायर कर लेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रोड्स और कंप्लीट हैं। और इसमें कुछ जगह पे जो प्रॉब्लम है जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ग्रीन हिस्सा, इसमें लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन इसको भी DHA जल्द ही रिक्वायर कर लेगा। अगर हम इसको आपको इसका रियल व्यू दिखाते हैं ये देखें, तो अगर हम इसकी कटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर DHA ने 5 मरले की, 10 मरले की और 1 कनाल की कटिंग दी है। अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो 5 मरले का प्लॉट आपको 60 से 75 के
बिटवीन मिल जाता है। और अगर हम इसके 10 मरले की बात करते हैं तो वो आपको 125 से 150 के अराउंड अबाउट मिल जाता है। और अगर हम इसके जो कनाल की बात करें तो इसमें वो जो कनाल का रेट है वो 170 से स्टार्ट होता है, वो 250 तक जाता है। और ये अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये ऑल डिपेंड ऑफ योर प्लॉट की लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे ही आपकी प्लॉट जो बाउंड्रीज के पास होंगे वो प्राइस थोड़ी कम होगी। अगर आपके जैसे ये थीम पार्क है, इसके साथ आपका प्लॉट है, या आपका ये मेन 120 फुट के रोड के ऊपर प्लॉट है, तो आपकी प्लॉट की कीमत कुछ और होगी। और अगर इसी तरह हम इसके नीचे आते हैं, इसके जो पी ब्लॉक है, जो इसका एक और इसका आइडियल लोकेशन का ब्लॉक है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें सेल और परचेज का काम भी, अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें इन्होंने एक जोन वन कमर्शियल इसे नाम से भी दिया है। और अगर हम इसकी करंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी DHA अपना काफ़ी हद तक 80-90% काम कंप्लीट कर चुका है। अगर हम इसके 80 फुट की ये रोड देखते हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप ये देखें ये वाले रोड्स और ये 80 फुट ये वाले रोड, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब काम कंप्लीट है, DPs भी लग चुकी हैं, ट्रांसफार्मर भी लग चुके हैं, और इसके अलावा वाटर टैंक भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर मैं आपको इसका ओवरऑल इसका व्यू सेटेलाइट व्यू दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि इसमें करंट क्या जा रही है इस वक्त, अब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सकेगा। ये आपको नज़र आ रहा है कमर्शियल, ये आप देख सकते हैं कमर्शियल का, ये भी इसके रोड्स कंप्लीट हैं, आपको ये मेन रोड्स भी नज़र आ रही हैं कंप्लीट हैं। कुछ इसके अंदर यहाँ पे लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन DHA इसको जल्दी रिक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर 80-90% ये भी ब्लॉक क्लियर है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो ये देख सकते हैं जो आपके जो रोड हैं, आपको मैं ये देखें आपके रोड आपको ये कंप्लीट नज़र आ रहे हैं, जो मेन 120 फुट के रोड्स हैं, और ये जो अंदर के रोड हैं ये भी आपको कंप्लीट नज़र आ रहे हैं कि जो कंप्लीट बन चुके हैं। तो उस जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी जल्द ही DHA इस पर क्वायर कर लेगा जी। अब मैं आपको इसकी कटिंग की बात करें तो इसके अंदर एक कनाल की कटिंग है, और जिसकी मैक्सिमम प्राइस स्टार्ट होती है 140 से ले कर 230 तक आपको यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। वो अगेन वही बात है कि यहाँ ऑल डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन पे, जैसे देखें ये जो बाउंड्री है नीचे, यहाँ पे जो आपको प्लॉट मिलेगा वो 140 से स्टार्ट होगा और 160 के राउंड बोट आपको ये इन इस हिस्से में आपको प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जिसी तरह आगे आते जाएंगे, जैसे ये देखें ये 80 फुट का ये रोड है, अगर आप इनके करीब आते हैं तो ये यहाँ प्राइस जो हैं वो 220 प्लस हैं। और अगर आप जिस तरह ही आगे आगे आते जाएंगे तो ऑल ये प्राइस चेंज होती जाएगी, लेकिन बाउंड्री के साथ जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको हमेशा रेट कम होता है और यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है 140 से 60 के राउंड अबाउट। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप अपने प्लॉट को मार्केट से अच्छा सेल करना चाहते हैं तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, स्क्रीन पे नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा। आप हमसे अपने प्लॉट की असेसमेंट के लिहाज से, अपने प्लॉट को सेल करने के लिहाज से और परचेज़ करने के लिहाज से हम इनसे किसी वक्त भी रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।